हमारी जो सभ्यता जो है ये एक ओपन सोर्स सभ्यता है। ऐसा नहीं कि भाई कि एक किताब है, एक सत्य है, सबको ये मानना है नहीं तो तुम जन्म में जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी एक पूरा एक लाइब्रेरी है और हर किसी को अपना बात रखने का हक है और काल निर्णय करेगा कि भाई कौन सी बात चलेगी। हमारे पूर्वज भी शायद यही कह रहे हैं कि आप इसे काल पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर कोई एब्सोल्यूट गलत बात कह रहा है और आपके दिल को ठेस हो रही है तो ठीक है, आप डिबेट करिए, हाथ कभी मत उठाइए, हरदम डिबेट पे हो। और सत्यम ब्रूहत प्रियम ब्रूहत, सत्य बोलिए लेकिन प्यार से बोलिए। संकोच लोगों में दिखा क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी रहती है, जब परंपरा कोई टूटती है तो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ये हर जगह की स्थिति रहती है। तो लोगों के मन में आया कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग चीज़ है, लीला अलग चीज़ है, तो बच्चियाँ कैसे कर पाएंगी। और एक रिहर्सल के रूप में ला करके जब प्लेटफॉर्म तैयार किया गया तो देख करके लोग जुड़ते गए कि नहीं इसको किया जा सकता। इस मंच में लड़कियों को प्रवेश निषेध था, लेकिन बच्चियाँ जब देखती थी रामलीला, तो मेरी बेटी बड़ी बेटी है दिव्या, तो अंदर में जाके काश हमको ये मौका मिलता, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे गांव के लिए, हमारे लिए बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम आप टीम का, आपके पूरी। और ये पूरा टीम वर्क होता है मैडम, इनको बोलती हूँ एक दिन मैं तुमको टीवी में भरूँ, मरने से पहले एक बार मैं अपनी बच्चियों को अपने गांव को टीवी में बहुत जरूर देखना चाहूँगी। ऐसे करके अभी भी मेरी कल्पना है कि मैं रामलीला मैदान में अपनी बच्चियों को ले जाना चाहूँ। लड़कियों को जो कल्चरल राइट मिलने चाहिए इस फील्ड में, हमेशा से पुरुषों को तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको ये चीज़ दिया ही गया है, लेकिन लड़कियों को लाना बहुत मुश्किल का काम है। तो जैसा हम कर रहे हैं, लड़कियां हमसे प्रेरणा ले और ले भी रही हैं, कई सारे गांव में हमको देख के कुछ गांव में कुछ पात्र लड़कियों ने भी निभाया है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो रामलीला है हम मंचन करें रामलीला मैदान, वो भी मोदी जी के सामने। ये हमेशा दिमाग में याद रखता हूँ मैं अपने लिए कि अगर मैं बच्चों से बात ज़्यादा करूँगा, बच्चों के ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, और बच्चों को अगर ये बात समझ आ गई कि हमें अपने पर्यावरण के लिए अपने ट्री काउंट को, अपने पेड़ों की संख्या को बढ़ाना है, तो हमारा काम हो गया। हो सकता है हिंदुस्तान की और ग्लोबल जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं इन्हीं में से एक बच्चा जो आगे चल के करेगा। तो अभी जितनी जल्दी ये बीज, ये संस्कार जितनी जल्दी बच्चों में डाल दिया जाए उतना बेहतर है। मैं देखता था कई बार भटकती रहती है, शीशे पर चोंच मारती है अंदर जाने के लिए, हाउस पैरो तो बोलते हैं उसको, लेकिन हाउस पैरो को घर में आना हम लोग शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बच्चों को भी बड़ों को भी सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है घोंसले की, तो क्यों ना घोंसला बनाया जाए और उसको एक जगह दी जाए। मुझे अपने बचपन का याद है कि मैं गौरैया को पकड़ा करता था, उसको कलर लगा के और उड़ाया करता था। मुझे ये नहीं पता था कि बाद में जाके आगे मुझे उसी गौरैया को वापस लाने के लिए घोंसले बनाने पड़ेंगे। हमारे बच्चे आजकल बहुत कुछ करते हैं, कंप्यूटर्स के साथ खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, बट एक्चुअली जो नेचर में आके काम करना है, सब्जियां कैसे आती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है हमारे बच्चों के साथ में। उस ऑब्जेक्टिव के साथ में हम ये काम कर रहे हैं। 900 ग्राम वेट के बच्चे जो है, हाँ, और ये तो 15 दिन की होगी बिटिया, अगर कहे ना देखो पूरे हाथ में आ जाती है ये। रिश्तों का जो विघटन हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। कोई अपनी बहन को छोड़ देता है, रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं, ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे उनको भोजन मिल जाए। कोई अपने पिता को छोड़ देता है, कोई माँ को छोड़ देता है, कई बार स्थिति ऐसी होती हैं और कई बार ये बिछड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति न रहे हिंदुस्तान में कि जिसको कोई संभालने वाला नहीं है। और हम इनको लाते हैं, हम इनको पेट भरने के लिए नहीं लाते, ये तो इनको कम सही जैसी भी सही वैसी मिल रही थी सड़क पर, कहीं मंदिर पर भी कोई ना कोई इनको दे ही रहा था। हम इनको लेके आते हैं कि कोई अपना हो और ये कहे कि मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हो। हम यहीं पर तो फेल हो जाते हैं आजकल, ये हम ऐसी स्थिति में इसी की वजह से हैं कि हमारा जो एक मानवता है ना वो ख़त्म हो गई है। हम सोच नहीं पाते कि हम इंसान हैं, हम डेजिग्नेशन से बन जाते हैं,
कोई व्यवसायी हो जाता है, कोई IAS हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई पियोन हो जाता है, कोई लेबरर हो जाता है। इंसान नहीं रहते, इंसान रहे तो मुझे लग रहा है कि ये हम सोचते हैं कि जो भी यहाँ जिन लोगों की सेवा हो रही है तो अपन ये प्रयास करते हैं कि हर बीमार को ये भरोसा हो जाए कि मेरा भी कोई अपना घर है। ये जितना भी सेवा के कार्य है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ से इमोशन से जुड़े हैं, यहाँ का खेल नहीं है ये। और शायद आपकी कामयाबी के पीछे भी ऋचा जी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो क्योंकि हम लोग दूसरे तरीके के लोग हैं और जो हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है वो भी कुछ दूसरे तरीके की है। सब दिल से सोचने वाले लोग हैं, यहाँ दिमाग नहीं चलता। दिमाग होता है ना तो पैसे के लिए होता है, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ना आप करते हैं। हमें वही लोग चाहिए जो थोड़ा सा जुनूनी हो, जिनके अंदर दीवानापन हो। ये सब कुछ करना है, हमने भी नौकरी कर ली बहुत, हमने भी काम बहुत कर लिया, लेकिन आगे क्या करना है? बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सेटल हो जाएंगे तो हम भी कुछ ऐसी सोशल वर्क करेंगे ना, तो उसकी शुरुआत समझ लीजिए। ये थाल सेवा है, इसी में पेड़ सेवा करेंगे, इसी में उपचार सेवा करेंगे, इसी में शहर सेवा कर लेंगे। इट्स अ डिजीज, बेसिकली ये एक बीमारी है। जैसे बीमारी हो जाती, कैंसर की बीमारी हो जाती, एड्स की बीमारी हो जाती, शुगर की बीमारी होती, वैसे एडिक्शन भी एक बीमारी है। और लोग सोचते हैं कि इसके पास विल पावर नहीं है, ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। लोग अपने से तुलना करते हुए एक एडिक्ट के साथ तुलना करते हैं कि अगर हम रोक सकते हैं, अगर हम सोशल ड्रिंकर बन सकते हैं तो ये दो ड्रिंक्स पे क्यों नहीं रुक सकता है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू गिव बैक व्हाट आई हैव गॉट। अगर मैं अपने पास ही रखूँगा उसको तो उस रिकवरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और मेरे को अपने आप बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में कहीं तो बाहर आए, क्योंकि हम तो बिल्कुल यूज़लेस मेंबर्स थे सोसाइटी के, जो किसी भी काम के नहीं थे। और फैमिली जो सफ़र कर रही है, फैमिली का तो एक अपना रोल होता है। और विदाउट सपोर्ट आपके घर में अगर एडिक्ट है तो वो ठीक नहीं होगा। आपका रोल बहुत मेजर रोल है एंड यू हैव टू गिव योर 100% टू हिम, चाहे वो सपोर्ट के तौर पे हो, चाहे वो उसको इमोशनल तौर पे आपने सपोर्ट करना है। और इलाज की ज़रूरत है तो उसे घबराना नहीं है, सोसाइटी का कोई ऐसा टैबू नहीं है ये, और लोग ठीक होते हैं। होप इज़ देयर। अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में आना नहीं चाहिए। अपने धर्म में सोचना चाहिए हमारा धर्म क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा जीवन का क्या है, काहे को जी रही है, खाने के लिए या पहनने के लिए या घर खरीदने के लिए या कुछ बढ़िया काम करने के लिए। मानुष दया भाव से बांधता। अब जो केवल आपने पेट भरता वो तो पशु भी करता है, दौलते पेट भरता, आपने सुविधा देखता ये तो पशु भी ऐसा करता है। मानुष कैसे बांधता जब दूसरे को दुख सुख आपने समझता, कुछ दया फायदा होता, दूसरे को कल्याण के लिए सोचता, दूसरे को दुख इलाज करने के लिए सोचता, जब मानुष बनेगा। आपके संस्कृति सबसे उच्च है पूरे दुनिया में, तो वैदिक संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इधर है, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे, वेदों के मतलब है, क्योंकि हम इतने सारे वेदों आजकल नहीं पढ़ सकते, अगर केवल भगवद गीता को पढ़ेंगे, केवल 700 श्लोक है, कृष्णा और अर्जुन आधा ग्रंथ में पूरे भगवद गीता को बताइए। शुरू के समय जब आप जगते सुबह स्नान करो, फिर एक श्लोक पढ़ो और पूरे दिन उसका ध्यान कर दीजिए कि मैं कृष्ण के आज्ञा, कृष्ण के शिक्षा कैसे लगा सकती हूँ मेरे जीवन में। तब आपका जीवन एकदम शुद्ध और पवित्र और सिद्ध हो जाएगा। उन 3 सालों में एवरी डे आई आस्क टू गॉड कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। जब मेरे को घर लेके गए काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 1 महीने बाद, तो मुझे
जिस दरवाजे से मैं खुद आता था, खेलता भागता हुआ, और उसी दरवाजे से मुझे अंदर लेकर आ रहे थे चार लोग स्ट्रेचर पे। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, और वहाँ का कैंपस का हर एक बच्चा, हर एक बड़े मुझे देख रहे थे कि शायद ये किसी मरे हुए की लाश लेकर आ रहे हैं, शायद ये किसको लेकर आ रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे को कैसे लोग देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत बार हर्ट किया है, पर मैं उन चीज़ों को हंसी में उड़ा देता हूँ। दुखी होता हूँ कभी, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे दुखी होने की ज़रूरत है। अगर किसी ने मुझे डिसेबल कह के छोड़ दिया, मेरे को इंसल्ट कर दिया, तो आई थिंक कि उसने एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान उसने गवाया है, मैंने कुछ नहीं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और वी हैव टू लिव। आप कितने दिन दुखी रह लेंगे? एक दिन, दो दिन, दस दिन, छः महीने, एक साल, दो साल, पाँच साल? आप ज़्यादा दिन दुखी नहीं रहेंगे। आपको हर दिन जीना चाहिए, और खुश रहिए और खुशी बांटिए। मैं मुसलमानों से ख़ास तौर, देशवासियों से भी, बाकी जो ना हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब लोगों से ये कहूँगा, ये एक बहुत ही बढ़िया फैसला आया है। इससे ज़्यादा बढ़िया फैसला आ नहीं सकते हैं। हिंदुओं से भी मैं ये कहूँगा कि जो कुछ पहले हो चुका है वो सब भूल जाइए। अभी हम लोगों को तो खैर, तो ये जो राम मंदिर जो ना बना रहे हैं, इससे आगे मत जाइएगा। हर चीज़ के लिए जो ना कृष्ण मंदिर है, या जो ना वो 3000 का जो लिस्ट है, उसको लेके मत आइएगा। क्योंकि हम लोग जो अब दोनों को एक साथ मिल के रहना चाहिए, एंड वी शुड क्रिएट ए यूनाइटेड इंडिया। जितने भी यहाँ सब लड़के लड़कियाँ छोटे शहरों से आए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में कुछ नाम हो जाए, उनको आज अगर दीपक डोबरियाल कुछ कहना चाहेंगे तो आपका मैसेज क्या होगा? उनको मेरा मैसेज यही होगा कि रियलिटी चेक करें अपना, मतलब जो भी है, जो आप सोच रहे हैं, और उस पर ज़्यादा ध्यान अपने काम को दें। हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दें, सबसे पहले आपका काम है, और उसकी बारीकियाँ, उसको इम्प्रूवमेंट उसका, और कन्फ्यूज़न से बचें, और चेक करें कि कोई भी कुछ बोल रहा है वो सही है कि गलत है, अपने लेवल पे चेक करें। किसी भी इंसान को जज मत करें, ये मैं कहूँगा। आपको शिकायतें नहीं करनी है, आपको गिनाना नहीं है, ये दो चीज़ों से बचें। जितना ओबिचिंग से बचना है कि बुराइयाँ वगैरह हो रही है ना, कि कुछ भी ये नहीं, निखा मखा के वो जो गॉसिप्स और वो जो है शिकायतें और गिनाने वाला, वो मत रखे। बहुत सारी जो ऐसी लड़कियां देश में, लाखों बच्चियां, जिनके पापा ऑटो चलाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, कोई और ऐसा काम करते होंगे, लेकिन सपने बड़े देखती हैं, उन सभी लड़कियों से आज आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब ऐसा है कि अगर तुम किसी एक गोल को फिक्स करो और उसके तरफ तुम बस पूरे मन से लग जाओ, बाकी भगवान देखेगा कि उसे तुम्हारे तक कैसे पहुंचाना है। कोई बर्डन्स आते हैं बीच में, हर्डल्स आते हैं, तो वो कैसे पूरे होने वो उन पे छोड़ दो। जो भी, बस तुम्हें उस वे में फोकस करना, और कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ निकलते हुए वो काम हो ही जाएगा तुम्हारा। तो बस जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा तुम लोग के साथ भी हो ही जाएगा। एक क्रिएटिव आदमी में असंतोष सबसे बड़ी मात्रा है। अगर वो असंतुष्ट नहीं है तो जैसे ही उसके अंदर संतोष आना शुरू होगा, सबसे पहले तो संतोष आएगा, फिर आलस्य आएगा, फिर आलस्य और संतोष को जस्टिफाई करने के लिए आत्मुग्धता आएगी। कह रहे हमने, वो खुद भी फिदा रहेगा, हमने कराया और हमने जब ये किया था, ये बेसिकली कोई, उसे पता है उसने किया है, दुनिया को पता है, जिसको बता रहा है उसे ये पता है कि इसे पता है, बट वो खुद को जस्टिफाई कराना चाहता है अपने आलस्य को, अब क्यों नहीं कर रहा हूँ ये बताने के लिए कह रहा था, जब हमने ये कर लिया था, बात खत्म हो गई। तो वो जो असंतोष गहरा है, जो सचिन तेंदुलकर में आखिरी मैच में था कि अभी और बना दूं कुछ थोड़े से रन, जो मैं देखता हूं कि पॉलिटिकल रैलियां करते हुए और पॉलिटिकल काम करते हुए प्राइम मिनिस्टर में है, उनके अंदर एक राजनेता का गहरा असंतोष है, जबकि एक आ जाता है प्राइम मिनिस्टर दो बार बनने के भी, ठीक है यार, जीत हार होती रहती है। सबसे बड़ा सुख है स्वयं के साथ सच्चा रहना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ झूठ नहीं किया है। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर।